में है और इसको बहुत जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। क्या आप उस एरिया में सर्च ऑपरेशन अभी कंटिन्यू है जिस तरह से कल? ये सर्च ऑपरेशन तो हरदम चलता रहता है, कल भी हम लोग 2-3 ऑपरेशन लॉन्च किए थे, उसमें कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन बहुत जल्दी इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे हम लोग। सर कहा जा रहा है कि जो जवान थे जो शहीद हुए उनके हथियार भी छीन गए, क्या क्या ये सही खबर है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई वेपन नहीं छिने। हमारे 2 साथी शहादत को प्राप्त हुए हैं कायरतापूर्ण हमले में, और जल्दी ही जिन्होंने ये किया है इनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा और इनकी शहादत को जाया नहीं जाने दिया जाएगा। सर कहा जा रहा है कि जो मिलिट्री ने कल अटैक को अंजाम दिया उन्होंने चाडरा में भी इस अटैक को अंजाम दिया, सीआरपीएफ के एएसआई को शहीद कर दिया, क्या कहेंगे? कल ऑलरेडी मैंने आप लोगों से शेयर किया था, ये वही ग्रुप है और इसके पीछे हम लोग लगे हुए, ये जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सर कंटिन्यूअसली ऐसी टेक्निकल बाइक पे अटैक किए जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या प्रकाशन? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे हो चाहे इतना लिंक रोड में, उसमें वॉल्यूम ऑफ व्हीकल काफ़ी है, काफ़ी गाड़ियां चलती रहती है, उसमें मिलिटेंट्स को बाइक में चलने में ईजी होता है, क्योंकि हम लोग 100% हर एक व्हीकल को चेक नहीं कर सकते, इसे ट्रैफिक जाम हो सकता है, किसी खबर पर इंफॉर्मेशन बेसिस पर व्हीकल को चेकिंग करते हैं हम लोग, तो घबराने की कोई बात नहीं है, सिचुएशन अंदर कंट्रोल है और हम लोग बहुत जल्दी इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सर कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि ये कुछ वर्चुअल सिम्स का यूज कर रहे हैं, तो सर उस बारे में क्या कहेंगे? वर्चुअल नंबर यूज होता है, सिम नहीं होता, वर्चुअल नंबर होता है, ये कोई भी अपलोड कर सकता है, ये खरीद सकता है। तो क्या चैलेंजिंग है वो? हाँ, चैलेंजिंग रहा, शुरू से रहा, ये पूरे वर्ल्ड में वर्चुअल नंबर चैलेंजिंग होता है, लेकिन उसका भी कार्ड हम लोग टेक्नोलॉजिकल उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, मिल जाएगा जल्दी। तो सर आइंदा क्या प्रकाशन लिए जाएंगे, खासकर नेशनल हाईवे की अगर हम इसको भी हम लोग नहीं शेयर करेंगे, ये हम लोग इंटरनल